हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज स्टीपन। जे मेन फोर्थ अटेम्प्ट ऑलरेडी बहुत लोगों की खत्म हो चुकी है और बहुत लोगों का अभी होना बाकी है। फर्स्ट ऑफ सितंबर और सेकंड ऑफ सितंबर की शिफ्टें बाकी है। तो कहीं ना कहीं जब जेई मेन का रिजल्ट निकल जाएगा तो ये कंसर्न सबके माइंड में आएगा कि हमें कहाँ कहाँ की काउंसलिंग कंडक्ट करानी चाहिए। होता क्या है, जनरली जिनका 50,000 प्लस रैंक होता है उनको समझ में नहीं आता है कि हमें कहाँ कहाँ की काउंसलिंग कंडक्ट करानी चाहिए, कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटीज हमारी बन सकती है। तो सबसे पहले ये मैं बता दूं कि जो जेई मेन का एग्जामिनेशन होता है आज के डेट में, अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल एग्जामिनेशन हो जाता है, चाहे आपकी रैंक कितनी भी आई हो। मानता हूं कि जो मेन काउंसलिंग है, जो पॉपुलर काउंसलिंग है, उनके अंदर सीटें पाना हाई रैंक पे काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बट द थिंग इज दैट कि आज की डेट में जेई मेन के थ्रू ऑलमोस्ट 70% प्लस ऐसे कॉलेजेस हैं जो एडमिशन लेते हैं। जितनी भी स्टेट लेवल काउंसलिंग देख लो, मैक्सिमम स्टेट लेवल काउंसलिंग जेई मेन के थ्रू लेती है। जितने भी आप अदर छोटे मोटे कॉलेजेस या फिर अदर बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजेस को देख लो तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो जेई मेन के थ्रू लेते हैं। तो एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए, बिकॉज जब हमारी रैंक हाई होती है तो हम एक्सपेक्टेशन लूज कर देते हैं, फाइनली हमें पता ही नहीं होता है कि हमें कहाँ की काउंसलिंग कंडक्ट करानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक जेन्युइन एडवाइस दूंगा आपको कि अगर आपकी रैंक हाई रह गई है या इनफैक्ट आपकी रैंक ठीक ठाक भी है तो कम से कम आप 2 से 3 जगहों की काउंसलिंग कंडक्ट कराओ। और काउंसलिंग इस तरीके से कंडक्ट कराओ कि लेट करो कि कहीं सीटें मिल रही हैं। सबसे बड़ा बात होता है कि आप जब काउंसलिंग करते हो तो डिसीजन मेकिंग भी करना होता है आपको। फर्स्ट राउंड के बाद, सेकेंड राउंड के बाद आपको कहीं कॉलेज अलॉट होता है तो फाइनली आपको किधर मूव करना है वो डिसीजन मेकिंग आपको करना होता है। उसके लिए रियल टाइम एनालिटिक्स की चीजें भी जरूरत पड़ती है कि फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ थी वो प्रीवियस 2-3 सालों के फर्स्ट राउंड की कट ऑफ से किधर जा रही है। तो हमें समझ में आ पाएगा कि कहीं ना कहीं जो हमने ब्रांच सोच रखा है, जो हमने कॉलेज सोच रखा है, वो मिलने का कितना प्रोबेबिलिटी है, कितना चांस है। तो इससे एक डिसीजन मेकिंग सही हो पाता है कि हम किस काउंसलिंग को कंटिन्यू करें और किस काउंसलिंग को छोड़ दें। प्रीवियस ईयर का प्रेडिक्शन आपको एक रफ आइडिया देता है कि आपको कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। उसके लिए कॉलेज टी पॉइंट पे ऑलरेडी कॉलेज प्रेडिक्टर अवेलेबल है, जहां पे हम जेई मेन के थ्रू जितनी भी काउंसलिंग होती है हम ट्राई करेंगे वहां पे वो सारे काउंसलिंग को ऐड करना, ताकि आपका डिसीजन मेकिंग और इजी हो पाए। उसके लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखो, वर्क ऑलरेडी प्रोग्रेस में है। रिजल्ट निकलने से पहले पहले तक हम मैक्सिमम प्रेडिक्टर वहां पे लेते हैं, अभी भी बहुत सारे प्रेडिक्टर वहां पे अवेलेबल हैं, तो डेफिनेटली जाके उसको यूज करना। अब आते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है जो जेई मेन के अंदर हमें कम से कम ट्रैक करना होगा कि हमारे रैंक के अकॉर्डिंग उन काउंसलिंग में क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। तो जेई मेन के अंदर जो सबसे बड़ा काउंसलिंग कंडक्ट होता है वो जोसा काउंसलिंग होता है। इसके अंदर 31 NITs, 26 IIITs और 27 GFTIs पार्टिसिपेट किए थे प्रीवियस ईयर। इस साल थोड़ा डेटा हो सकता है चेंज हो, और IITs भी जोसा काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उनका जो एडमिशन होता है वो जे एडवांस रैंक के बेसिस पे होता है। तो जो कट ऑफ रही थी, फाइनल कट ऑफ जो 6 राउंड की कट ऑफ रही थी, लास्ट जो कॉलेज किसी भी ब्रांच के साथ जनरल कैटेगरी के लिए NITs 51,170 पे क्लोज हो गया था, IIITs 46,587 पे क्लोज हो गया था और GFTI 68,567 पे क्लोज हो गया था। जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आपका OBC, SC, ST, PWD, जो भी कैटेगरी हो, तो जोसा एक ऐसा काउंसलिंग होता है जहां पे कैटेगरी रैंक काम आती है, आपकी CRL रैंक काम नहीं आती है, कैटेगरी रैंक काम आती है। तो जब भी आप देखोगे कट ऑफ को वो कैटेगरी रैंक से देखोगे। इनफैक्ट जो कॉलेज प्रेडिक्टर भी हमने अवेलेबल करवाया है तो वहां पे जो आप रैंक प्रेडिक्ट कर लेते हो वही रैंक नहीं डाला जाता है, बल्कि जो आपकी कैटेगरी रैंक आएगी वो आपको रैंक प्रेडिक्टर में डालना है, कॉलेज प्रेडिक्टर में बेसिकली डालना है, ताकि आपको जो एक रफ प्रेडिक्शन मिल सके कि कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो जो भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए बेहतर होगा अभी के लिए आप CSAT का प्रेडिक्टर ट्राई करो, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा, आफ्टर द रिजल्ट, आप अपनी कैटेगरी रैंक के बेसिस पे आप जोसा की भी प्रेडिक्टर को यूज कर सकते हो। मात्र एक जोसा ही ऐसा काउंसलिंग है जो कि कैटेगरी रैंक के बेसिस पे लेता है, बाकी आप सारे प्रेडिक्टर को CRL रैंक से चेक कर सकते हो। ठीक है, अब अगले नंबर पे आता है CSAT। CSAT बेसिकली जोसा का ही पार्ट है। जब सीटें वैकेंट होती हैं जोसा में तब कहीं ना कहीं CSAT का राउंड कंडक्ट होता है। CSAT में भी अब क्या है कि चीजें और भी ज्यादा कॉम्पैक्ट होते जा रही है, क्योंकि दोनों को बहुत ज्यादा कनेक्टेड कर दिया गया ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू। बहुत लोग CSAT में भी आज के डेट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो NITs, IIITs, GFTIs में पार्टिसिपेट करते हैं, IITs CSAT में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको NITs के लिए 79,746 पे कॉलेज क्लोज हो गया था प्रीवियस ईयर। ये किसी भी ब्रांच के लिए है, हम कोई भी स्पेसिफिक ब्रांच की बात नहीं कर रहे हैं,
जितने भी एनआईटीज में ब्रांच होते हैं, लास्ट जो क्लोजिंग कटअप था वो यही था, ट्रिपल आईटीज 74,587 पे क्लोज हो गया था और जीएफटीएच 2,23,417 पे क्लोज हो गए थे। वहीं अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी एनआईटीज के लिए 84,871 पे क्लोज हो गया था। ध्यान रखना ये सीआरएल रैंक है, सीसेप से सीआरएल रैंक चलता है, बाकी जोसा में आप कैटेगरी रैंक से मैच करोगे, ठीक है। ट्रिपल आईटीज के लिए 80,508 पे क्लोज हो गया था और जीएफटीएच के लिए 2,48,270 पे कॉलेज क्लोज हो गया था। अब ये जो कट ऑफ है, अगर आप इसके बॉर्डर लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको और भी सेफ साइड ऑप्शन देख के चलना पड़ेगा आपके रैंक के अकॉर्डिंग। मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड की कट ऑफ है तो आप रियल टाइम एनालिटिक्स से देखा करो कि जो चीजें हैं हमारे लिए पॉजिटिव वे में जा रही है, जो ब्रांच हमने टारगेट किया है उसकी कट ऑफ प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग इस बार हाई जा रही है या लो जा रही है, उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आप जज कर सकते हो चीजों को, क्योंकि हर साल कट ऑफ जो है एक अच्छे खासे मार्जिन से फ्लक्चुएट करता है। इसके लिए आप हमारी काउंसलिंग सर्विस भी ले सकते हो जो कि अवेलेबल है कॉलेज 3 पॉइंट के एप्लीकेशन पे भी, या फिर हमारे काउंसलर से आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। EWS कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो NITs के लिए 98,574 आपका रैंक है तो डेफिनेटली प्रीवियस ईयर तक यहाँ पे कॉलेज अलॉट हुआ था। ट्रिपल आईटीज के लिए 77,407 पे कॉलेज क्लोज हो गया था और GFTIs के लिए 2,40,772 पे कॉलेज क्लोज हो गया था। अगर SC कैटेगरी की वही बात करें तो NITs के लिए कोई भी ब्रांच 2,39,821 तक चला गया था। अब इसमें होम स्टेट कोटा को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ये केवल और केवल जो अदर स्टेट कोटा से सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही है। होम स्टेट कोटा के लिए या फिर आपको डिफरेंट कोटा लगा के देखना है तो कॉलेज प्रिडिक्टर ऑलरेडी कॉलेज की पॉइंट के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, उसको जाके यूज करो, आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो। सीसैप में आपको सीआरएल रैंक डालना है और जोसा में आपको आपका कैटेगरी रैंक डालना है, जो कि आने वाले टाइम में जब रिजल्ट आएगा तो आप इजिली वहां से देख सकते हो। वहीं अगर हम ट्रिपल आईटीज की बात करें तो 2,30,580 पे कॉलेज क्लोज हो गया। जीएफटीआईज की बात करें तो 3,20,807 पे कॉलेज क्लोज हो गया था। एसटी कैटेगरी से एनआईटीज के लिए 3,24,574 पे क्लोज हो गया था। ट्रिपल आईटीज के लिए 3,80,015 पे क्लोज हो गया था और जीएफटीआईज के लिए 4,38,963 पे कॉलेज क्लोज हो गया था। ये सीसेप तक का कट ऑफ है। अब आते हैं इसके बाद कौन कौन से काउंसलिंग होते हैं। तो कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो अपनी सेल्फ काउंसलिंग कंडक्ट कराते हैं, जैसे कि अगर हम ट्रिपल आईटी हैदराबाद की बात कर लें तो प्रीवियस ईयर 3,183 पे ये कॉलेज जो है क्लोज हो गया था। ट्रिपल आईटी बैंगलोर 9,000 तक क्लोज हो गया था। 11 IIT के लिए अप्रॉक्स रैंक मैं बता रहा हूँ कि मैकेनिकल ब्रांच तक अगर आपका 80,000 के अंदर रैंक रह रहा है तो आप वेटिंग लिस्ट को क्लियर करने का आपकी प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी, फिर भी आप सेफ साइड अदर भी काउंसलिंग को देखते हुए चलोगे। अगर हम जेपी नोएडा की बात करें तो 2 कैंपसेस है बेसिकली सेक्टर 62 का, तो उसके लिए आपका 1 लाख के अंदर रैंक है तो आप सेफ साइड हो। और अगर 128 की बात करें तो इसी ब्रांच तक के लिए अगर 2 लाख के अंदर आपका रैंक है तो डेफिनेटली आपका चांस रहेगा जेपी नोएडा मिलने का। इसके अदर भी कैंपसेस है, 16 कैंपसेस, गुना कैंपसेस, उसमें इजिली हो जाता है। अगर आपका रैंक 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक भी रहता है तो आपको ब्रांचेस अलॉट वहां पे हो जाते हैं। वही अगर हम थापर की बात करें तो यहाँ पे होम स्टेट कोटा कट ऑफ लगता है और अदर स्टेट, तो अदर स्टेट के लिए मिनिमम रिजर्वेशन होता है। होम स्टेट के लिए ये कॉलेज 4 लाख तक चला जाता है, जो पंजाब से बिलोंग कर रहे हैं, पंजाब से 12th किए हुए, उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। कोई भी ब्रांच, फिर एनी ब्रांच है, इसमें कोई CSIT स्पेसिफिक चीजें हम नहीं बता रहे। अगर आपको कोई भी ब्रांच के साथ जाना है तो 4 लाख के अंदर रैंक है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको थापर मिल जाए होम स्टेट से। अदर स्टेट के लिए आपको 1 लाख के अराउंड रैंक रखना पड़ेगा तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी आपको थापर में एडमिशन मिल जाए। अब आता है जैक दिल्ली। अब जैक दिल्ली के अंदर क्या है कि जो दिल्ली से 12th किए हुए हैं उनके लिए 85% का रिजर्वेशन होता है और 15% का रिजर्वेशन जो है वो अदर स्टेट वालों के लिए होता है। तो इसके अंदर जो कॉलेजेज आते हैं वो DTU, ट्रिपल आई टी दिल्ली, NSUT मेन कैंपस, NSUT ईस्ट कैंपस, NSUT वेस्ट कैंपस और IGDTUW। ये जो IGDTUW है वो केवल और केवल गर्ल्स कोटा से ही फिल होता है, यहाँ पे जो बॉयज है उनके लिए कोई भी सीटें अवेलेबल नहीं होती। तो हम मेन राउंड की कटअप की बात करें, क्योंकि स्पॉट राउंड थोड़ा सा वैरी करता है, चीजें जो वैकेंट सीटें उन पर डिपेंड करती हैं। तो मेन राउंड से जनरल कैटेगरी के लिए होम स्टेट से 93.97 पे कॉलेज क्लोज्ड हो गया था कोई भी ब्रांच के साथ, और अदर स्टेट वालों के लिए 98.62 पे कोई भी ब्रांच के साथ मेन राउंड में कॉलेज क्लोज हो गया था। स्पॉट हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, फिफ्थ राउंड तक की हम बात कर रहे हैं। IGDTUW की बात करें, क्योंकि ये गर्ल्स के लिए है तो स्पेसिफिकली हमने इसके लिए अलग से आपको कटअप दिया है।
होम स्टेट से 92.67 तक आपका परसेंटाइल रह रहा है, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको IGDTU में एडमिशन मिल जाए। और अगर आपका अदर स्टेट से 97.62 तक परसेंटाइल है, तो देयर इज अ चांस कि आपको अदर स्टेट से गर्ल्स कोटा के बेसिस पे IGDTU का कैंपस अलॉट हो जाए। ये जनरल की कट ऑफ आपको बताई जा रही है, बाकी कट ऑफ जो है आप कॉलेज स्टीपेंड के एप्लीकेशन पे देख सकते हो। साथ ही साथ आप उसका कॉलेज प्रेडिक्टर भी यूज कर सकते हो। अभी बहुत सारे प्रेडिक्टर आने वाले हैं और ये ऐप आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। यहाँ से हम काउंसलिंग सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग प्रिडिक्टर का यूज करके एक रफ एनालाइजेशन कर सकते हो कि कौन कौन से कॉलेजेस आपके अंदर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली कॉलेज की पॉइंट का प्रिडिक्टर यूज करना। वही अगर हम IPU की बात बोले तो यहाँ पे भी सेम है, दिल्ली के अंदर जो बच्चे हैं जिन्होंने 12th दिल्ली से किया हुआ 85% का रिजर्वेशन आता है, और जो आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चे हैं उनके लिए 15% का रिजर्वेशन होता है। अब यहाँ पे जो मेन दिल्ली के अंदर कॉलेजेस हैं इनमें ही रिजर्वेशन लगता है, आउटसाइड आप जाओगे तो कुछ ऐसे कॉलेजेस जिसमें ऑल इंडिया कोटा लगता है, ठीक है। तो मेन दिल्ली के अंदर जो कॉलेजेस है बेसिकली हम बात करें तो आपका USC IT कैंपस है, महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल, भारतीय विद्यापीठ, भगवान परशुराम, डॉक्टर अखिलेश दास जो नॉर्दर्न इंडिया के भी नाम से जाना जाता है, गुरु तेग बहादुर, यहाँ पे ऑल इंडिया कट ऑफ लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, सारे के लिए ओपन ऑल इंडिया कट ऑफ लगता है HMR IT। तो ये भी कॉलेज जो है वो दिल्ली के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करें तो होम स्टेट कोटा से अगर आपका 10 लाख तक भी रैंक है तो कोई ना कोई ब्रांच इन कॉलेजेस में डेफिनेटली आपका अलॉट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही बात है, अगर आप ब्रांच कंसर्न हो तो बहुत जल्दी IPU का भी प्रिडिक्टर ऑलरेडी सारी चीजें हो चुकी हैं, ऑन द प्रोसेस है, आपको रिजल्ट आने से पहले तक मैक्सिमम की प्रिडिक्टर कॉलेज की पॉइंट की एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएगी। वहीं अगर हम अदर स्टेट की बात करें तो यहाँ पे भी अगर आपका 9 लाख तक रैंक है तो आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा। वहीं अगर हम टॉप कॉलेज पे पढ़ते तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है होम स्टेट और अदर स्टेट में। तो ये सारी चीजें भी कंसर्न हमें समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको पूरा कट ऑफ एनालाइजेशन करना पड़ेगा, जो कि कॉलेज की पॉइंट के एप्लीकेशन पे सारे IPU कॉलेजेस की जो टॉप कॉलेजेस है उनकी कट ऑफ अवेलेबल है, रिसेंट कट ऑफ अवेलेबल है। तो वहां से आप आउटसाइड हो, होम स्टेट हो, तो डेफिनेटली जाके वहां से आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आता है जैक चंडीगढ़, इसके अंदर जो कॉलेजेस है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बेसिकली पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर 3 कॉलेजेस आते हैं, UIET का ही 3 कैंपसेस है और एक जो है वो चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये भी अच्छा कॉलेज माना जाता है। तो इसके लिए भी आपको सेपरेट काउंसलिंग फॉर्म भरना पड़ता है। एक चीज मैं बता दूं कि जो जो मैं बता रहा हूँ काउंसलिंग मोड, वो आपको केवल जोसा का भर के आपका काम नहीं चलने वाला, आपको ट्रैकिंग करना पड़ेगा कब काउंसलिंग फॉर्म आ रही है, कब हमें भरना है, तो आपको भी अवेयर रहना पड़ेगा। बाकी कॉलेज की पॉइंट आपके साथ है, वहां पे कॉलेज की पॉइंट के एप्लीकेशन पे न्यूज के सेक्शन में रेगुलर अपडेट होता है, जो भी फॉर्म्स आते हैं, जो भी फॉर्म्स आपको फिल करने, तो कॉलेज की पॉइंट के एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके रखना। साथ ही साथ हम वीडियोस के थ्रू भी आपके लिए सारी चीजें डिटेल में लाते रहेंगे। तो यहाँ पे अगर आप जैक दिल्ली की जैक चंडीगढ़ के थ्रू जाना चाहते हो तो जनरल कैटेगरी से बेसिकली आप कोर ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हो तो 8 लाख तक अगर आपका रैंक है तो डेफिनेटली आपको कोर ब्रांच मिल जाएगा। वहीं अब ये मैं स्पॉट तक की बात बता रहा हूँ जैक चंडीगढ़ की, क्योंकि इसमें हर साल स्पॉट का जो कट ऑफ है वो डिस्प्ले किया जाता है, तो ऑन एन एवरेज हम एक ट्रैकिंग कर सकते हैं कि फाइनली इतने रैंक तक हम कहीं ना कहीं सेफ साइड है। फिर वही बात है, अगर आपको टॉप कॉलेज पे जाना है, टॉप ब्रांच पे जाना है, तो कट ऑफ बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा, तो इसके लिए कॉलेज की पॉइंट के एप्लीकेशन पे कट ऑफ अवेलेबल है। राउंड वाइज आप जाकर कट ऑफ देख सकते हो कि किस राउंड तक आपको कॉलेजेस अलॉट हो सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के साथ अगर आप जाना चाह रहे हो तो आपका रैंक 10 लाख तक भी है, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको बायोटेक्नोलॉजी मिल जाए। अब यहाँ पे मैक्सिमम कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा लगता है, लेकिन केवल चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आपको होम स्टेट और अदर स्टेट कोटा देखने को मिलता है। तो इसका एडवांटेज जो है, जितने भी बच्चे हैं, चाहे आप चंडीगढ़ से बिलोंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप इस कोटा का एडवांटेज लेके इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। वहीं अगर हम बात बोले कुछ स्टेट लेवल काउंसलिंग की, जो कि जेई मेन के थ्रू ही लेते हैं, तो हरियाणा काउंसलिंग की बात करें तो अगर आपको टॉप 5 कॉलेजेस में, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस बेसिकली हैं, टॉप 5 कॉलेज में लेना है, तो अगर आपका 2 लाख तक भी रैंक है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको कॉलेज मिल जाए। यहाँ पे क्या है कि ऑल इंडिया कोटा लगता है और होम स्टेट कोटा लगता है, ठीक है। तो आई होप इसके बारे में आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो हम इस पर भी डिटेल वीडियो लाएंगे। अदर कॉलेजेस, आपको कोई भी कॉलेज चाहिए अगर हरियाणा में, तो अगर आपका 10 लाख तक भी रैंक है, इनफैक्ट एंड भी रैंक है, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि कोई ना कोई कॉलेज आपको हरियाणा के अंदर मिल जाए।
वही अगर हम अगले काउंसलिंग की बात करें तो MHCET की जो काउंसलिंग होती है उसमें क्या होता है, कुछ सीटें जो है जो प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें होती हैं वो रिजर्व होती हैं जेईई मेन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कॉलेजेस की बात कर लो तो बहुत टॉप टॉप के कॉलेजेस है। सेपरेट वीडियो सारे काउंसलिंग मोड पे आएगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो को लाइक करना है। जितना ज्यादा आपका सपोर्ट रहेगा उतना एफर्ट हमारा रहेगा कि हम अच्छे से अच्छे कॉलेज में आपको सेटल कर सके। तो टॉप 15 कॉलेज की बात कर लो, और टॉप 15 यहाँ का मतलब टॉप 15 होता है, यहाँ पे जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है इन कॉलेजेस का काफी अच्छा है, इसके लिए डिटेल्ड वीडियो आएगा तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो यहाँ पे अगर आपका 76% तक भी है तो आपको टॉप 15 कॉलेज में डेफिनेटली एडमिशन मिल जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो महाराष्ट्र के अंदर आते हैं, तो उसके लिए आपका जो भी परसेंटाइल हो आप एफर्ट कर सकते हो, डेफिनेटली आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा। काउंसलिंग अच्छे से करनी होगी, आपको बेसिकली एक ऐसे काउंसलर पे ट्रस्ट करना होगा जो कि बेसिकली आपका बहुत अच्छे से काउंसलिंग कर सके, मल्टीपल काउंसलिंग में आपका डिसीजन मेकिंग इजी कर सके, ठीक है। काउंसलिंग एक ऐसा सिस्टम होता है बच्चे जहां से आपकी चांस आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है अच्छे कॉलेज मिलने की। बस चीजें जो है हमें समझ में आना चाहिए, थोड़ा पेशेंस लेवल होना चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग में ट्रैफिक हर जगह पे क्राउड बहुत अच्छा खासा रहता है, ठीक है। जैसे राउंड बीतते जाते हैं स्टूडेंट सेटल्ड होते जाते हैं वहां पे क्या है हमारी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई बनती जाती है। वही अगर हम अगले स्टेट लेवल काउंसलिंग की बात करें तो पंजाब काउंसलिंग के अंदर भी बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं। अगर आपको टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहे हैं तो होम स्टेट कोटा से अगर आपका 7 लाख तक रैंक है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। वहीं अदर स्टेट कोटा से आपका 5 से 6 लाख के बीच में रैंक है तो डेफिनेटली आपको अदर स्टेट कोटा से भी ये कॉलेज मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है कि फीस जिनको भी कंसर्न होता है कि फी आप ज्यादा एफोर्ड नहीं कर सकते हो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज का टाइम भी चाहिए, तो आपके लिए पंजाब काउंसलिंग बहुत बेहतर ऑप्शन बन सकता है। अब आते हैं एक जो नया काउंसलिंग जेईई मेन के अंदर जुड़ा है, जो जेईई मेन के मेरिट के बेसिस पे लेगा, वो UPSEE काउंसलिंग है। अब क्या है यहाँ पे कोई भी नहीं बता सकता है कि कट ऑफ कहां तक जाएगी, फिर भी फॉर अ सेफ साइड अगर आप टॉप 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहें तो लास्ट टू लास्ट आपका 1 लाख के अप्रॉक्स रैंक है तो देयर इज अ हाई चांस कि आपको टॉप 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाए। अदर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 2 लाख या 2 लाख थोड़ा प्लस भी रैंक है तो देयर इज अ हाई चांस कि आपको अदर गवर्नमेंट कॉलेज में कोई ब्रांच मिल जाए। ब्रांच स्पेसिफिक नहीं कर रहा हूँ, डिटेल्ड वीडियो इस पे आएगी, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। वहीं अगर हम टॉप प्राइवेट कॉलेजेस की बात बोले तो आपका कोई ब्रांच के साथ अगर आप जा रहे हो तो आपका 10 लाख रैंक भी है तो आपको इजीली कॉलेज अलॉट होगा। फिर CSIT EC तक ब्रांच के लिए आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ सकता है अच्छे रैंक के साथ, लेकिन वही बात है कि अगर आपका जेईई मेन में अच्छा रैंक नहीं रह रहा है, जोसा में आपको कुछ नहीं मिल पा रहा है तो फिर आप इन कॉलेज में एफर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी जो है UPSEE की काउंसलिंग में भी आपको जो चीजें होंगी वो दो तरीके से मिलेंगी, एक ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे, एक होम स्टेट। तो होम स्टेट वालों को डेफिनेटली एडवांटेज मिलेगा, ये जो कट ऑफ है होम स्टेट के बेसिस पे हम दिखा रहे हैं। कुछ और ऐसे काउंसलिंग्स हैं जिन्हें हमें गौर करना होगा, उसके लिए वीडियो आएगा, डिटेल्ड वीडियो आएगा सारे काउंसलिंग्स पे कि किस तरीके से हमें कंडक्ट करना है, क्या क्या एडवांटेज उठा सकते हैं, काउंसलिंग सपोर्ट हमारे ले सकते हो। तो जो अदर काउंसलिंग बसते हैं, MMUT का काउंसलिंग बसता है, या ये भी जो है इस बार 100% सीधे जेईई मेन के थ्रू ले रहा है। HBTU का काउंसलिंग बसता है, जो UP से बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है HBTU का। वहीं पे जो ओडिशा जेईई है या फिर आप बात कर लो कि छत्तीसगढ़ के कॉलेज MPDT की भी काउंसलिंग जो है वो जेईई मेन के थ्रू लेती है। तो ऐसे और भी बहुत सारे काउंसलिंग्स हैं, जैसे कि हम डेकेट की बात कर ले धीरूभाई अंबानी की, तो वहां पे भी जो एडमिशन है वो जेईई मेन के थ्रू होता है। तो अभी और भी काउंसलिंग रह रहे हैं, मैंने बताया कि आपको 70% ऐसे कॉलेजेस इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज जो जेईई मेन के थ्रू ही लेते हैं, तो चीजों को हमें समझना पड़ेगा। उसके लिए अगर आप काउंसलिंग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो कॉलेज T-Point के एप्लीकेशन पे सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, जहां पे हम आपको फुल असेसमेंट देंगे आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कहां कहां कंडक्ट करना चाहिए काउंसलिंग, किस टाइम पे आपको कॉलेज छोड़ देना है, कहां कहां काउंसलिंग कैरी रखना है, चांसेस आगे क्या होंगे, सारी चीजें आपको जो 3 से 4 महीने का प्रोसेस चलेगा उसमें हम आपके साथ रहेंगे। तो वहां पे आप हमारी हेल्प ले सकते हो, डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन परचेज भी कर सकते हो। इनकेस कोई डाउट रह रहा है तो आप काउंसलर से कनेक्ट हो जाओ, वहां पे क्या है कि वो आपको समझा देंगे कि हम आपको उस सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं और चीजें आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। कॉलेज T-Point बेसिकली एम रखता है कि हम आपको टॉप से टॉप कॉलेज में सेटल कर सके और कहीं ना कहीं आप जो है 4 साल बाद जहां से निकलो वहां का रिटर्न और इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा हो सके। तो कॉलेज T-Point के एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, प्रेडिक्टर को यूज करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखना, बिकॉज
बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट और बहुत सारे काउंसलिंग के वीडियोस आने वाले। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।